हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज सेकंड शिफ्ट में बिहार बोर्ड के साइंस के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे गए प्रश्न के आंसर की। तो आइए और आप अपना मिलाते रहेंगे साथ साथ आंसर की, तो बिना समय को गवाएं हम लोग क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन पूछ रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंध्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर बी है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर चार है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। समीकरण 2H2+O2 का 2H2O में एक कैसा अभिक्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा C6H12O6। सात नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है। सब लोग जानते हैं 11 है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आठ है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्ग्रहण। क्वेश्चन नंबर नौ देखिए कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षार धातु होते हैं, इसमें होते हैं अल्कलाइन मेटल। क्वेश्चन नंबर दस है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जीवधारी ऑर्गेनिज्म। फिर आपसे पूछा है 11 नंबर में कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दो नियम हैं। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः किसके रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका एंगस्ट्रॉम होता है, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिकारक, रिएक्टेंट। 14 नंबर में पूछा है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तो ये बेसिक होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है, तो क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, 15 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट पेंसिल। निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिल समूह है। तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, COOH। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अमीटर से क्या मापा जाता है। तो अमीटर से धारा नापा जाता है, करंट नापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर में कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोटर। इसका आंसर हो जाएगा बी, मोटर। अगला क्वेश्चन देखिए कि दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र सब लोग जानते हैं, 1/V + 1/U = 1/F, तो ऑप्शन नंबर ए। 20 क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर में है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन। हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। 22 नंबर, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस किसने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक तो वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पुष्प में होता है, फ्लोर में होता है। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी की प्रयोग के लिए कौन सा पौधा का, तो ये पिछले शिफ्ट में भी पूछा था, ऑप्शन नंबर सी, मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाया जाता है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है। तो ये पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है। तो सोलर सेल बनता है सिलिकन से, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो K2SO4, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सबसे भारी कौन है। तो यहाँ इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा यूरेनियम, बी नंबर। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सभी जीव जंतुओं के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका हो जाएगा सन, सूर्य, ऑप्शन सी। स्थिलचट्टा में कितने जोड़े श्वासरंध्र होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, 10 जोड़े श्वासरंध्र होते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो किसमें होती है, तो हरे पौधों में होती है, ग्रीन प्लांट्स में होती है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोएम में ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो इसमें देखेंगे, थोड़ा चेक कर लेंगे आप लोग भी, लेकिन सुक्रोज के रूप में होता है।
स्विच लगाए जाते हैं कहां, तो गर्म तार में, ऑप्शन नंबर बी 37 का। 38 का, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा बायोगैस, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में ब्रिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में पाया जाता है टेंटिकल्स, स्पर्शक, ऑप्शन नंबर डी। 41 है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। फिर है 42 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। किस रंग का विचलन कम है, तो लाल, इसीलिए सूचना करने के लिए लगाया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 66 नंबर है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, टेहरी बांध कहाँ है, तो ये टेहरी जीके पूछ लिया है आपसे, तो आपको आंसर कर देना चाहिए था, उत्तराखंड में बना हुआ है। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो SO2 NO2, तो यहाँ SO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो अब फ्रेंड्स आप अच्छे से क्वेश्चन मिलाइए और अपना मार्क्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।